पूरे कागज की तरह पत्रकार भाइयों को मैं प्रणाम करता हूँ। दूसरी बात, नगर के सभी सम्मानित जो 16,370 माताएं बहनों पिता तुल्य सभी लोग को चरणों में मैं नमन करता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं चुनाव हारा नहीं, मैं चुनाव मुझे हराया गया। हराने के पीछे भाजपा के बड़े नेता और हमारे दल से जो कुछ लोग आज हमारे नेता पे के आचरण पे लगा रहे हैं, तो मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा बूथ जो विवेकानंद स्टेशन क्या नाम है महिला डिग्री कॉलेज और आनंद मार्ग महाजन टोली पे 25 टीम बनी हुई थी दो बजे के बाद जेपी जी, और उसपे ऐसे ऐसे लोग शहर के बाहर के लोग, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, वोट बूथ कैप्चरिंग करने का काम किया। यहाँ तक कि हमारे एरिया में एक दिन पहले हमारे ही कुछ ऐसे जो हमारे पूर्व में पार्टी से चुनाव लड़ चुके थे, मैं उनका एक एक प्रूफ के साथ रखा हूं जो पैसा बंटवाने का काम किया। कल लोगों ने इल्जाम लगाया कि 300 लोग इस्तीफा दिए हैं, वो इस्तीफा देने वाले हमारे कौन है हमें बताया जा सूची दिया, जो हमारे यहाँ सक्रिय मेम्बर नहीं है, जो बगल में बैठे हैं पर वे तो हमारे हैं ये नहीं है, वो चुनाव लड़े हैं हमारे खिलाफ पार्टी के खिलाफ समझ सकता। उसके बगल में एक लड़े हैं सिंधू यादव हमारे प्रत्याशी के खिलाफ, जो हमारा प्रत्याशी वहां जीता हुआ है। और दूसरी बात, वो लोग से मैं पूछना चाहता हूँ जो 10 वर्षों से जिसके खिलाफ आवाज उठाने वाले इस चुनाव में पार्टी टिकट नहीं मिलने पर उस भ्रष्टाचारी से जितना धन लेकर सपा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ भाजपा का प्रचार कर बूथ कैप्चरिंग करने का काम किए हैं, और जनगणना के पहले पार्टी से त्याग पत्र क्यों नहीं, जब टिकट नहीं मिला तब देना चाहिए। दूसरी बार अगर पार्टी से त्याग पत्र देना था तो वोटिंग से पहले ही क्यों नहीं दिए, जबकि मैं खुद उनसे मिलकर और जिस दिन हमारा नामांकन था तो मैंने फोन किया कि समीर भाई आइए और मेरे प्रस्तावक है, आप प्रस्तावक होकर मेरा चल के नामांकन करें। उनसे फिर उसके बाद हमसे जो जिस दिन भी मिलन था मैं उनका पैर बिछुआ, मैं कहा कि आप प्रचार में चलिए और मुझे जिताइए, उनको यहाँ पर भी किया। फिर उसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष के भ्रष्टाचार लूट खसोट क्या लड़ाई दूसरे व्यक्ति ने लड़ाई और दोषी कराए, कुछ पत्रकारों के माध्यम से सेहरा अपने ऊपर बांटने का काम किया। जितने शहर की विवादित जमीन लेते हैं उसका अगर पालिका में दाखिल खारिज भाजपा अध्यक्ष वर्षों से कैसे करते चले आ रहे हैं, तथा कथित वंचित साथ में रहते वर्षों से भाजपा से साथ घाट किए हैं, मैं वो प्रूफ भी देना चाहता हूँ। सहकारी बैंक कचहरी की विवादित भूमि लेकर बिक्री किए गए ये और बेचा गया, बहुत तमाम चीजें हमारे बूथ को निकाल पार्टी के पहले निष्कासित किया जा चुका, जैसा कि आपने विधायक ने बोला अभी आप कह रहे हैं कि मैं उनसे चुनाव से पहले समर्थन मांग रहा था, किस समर्थन सब से मांगा जाता है, अगल बगल मांगा जाता है, वो तुरंत मांगा जाता है, समर्थन सबके यहाँ जाया जाता है। जब आपका नुकसान करे तो समर्थन कैसे, मैं क्या आप आरोप लगा रहे हैं समर्थन, हम तो पहले मांग रहे थे उसके बाद जब आपका विरोधी काम करे तो समर्थन जारी है। अनिल सिंह जिला पंचायत के लड़ रहे थे, माननीय विधायक जी के आवास से जाकर समर्थन मांगने का काम किया, उनके आरोप जमीन का आरोप आप ज्यादा है ना, उधर आरोप तो नहीं है, आपके आरोप ये क्या बता रहे हैं, समर्थन किसी से मांगा जा सकता है, पैसा बांटने का आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल समर्थन भी मांगा, हमारे पार्टी के कुछ ऐसे समर्थन नहीं दिए तब उन्होंने ये काम किया। ये जो भी जानकारी है उसको पुष्ट कर ले, जानकारी इसलिए मैं कह रहा हूँ पुष्ट करने के लिए कि विधानसभा अध्यक्ष मेरे बगल में बैठे हैं जो स्कोर कमेटी के मेंबर थे, आदरणीय ननकू सिंह यादव जी, आदरणीय सुदर्शन सिंह यादव जी, आदरणीय रामधारी यादव जी, आदरणीय विधायक डॉक्टर त्रिवेणी राम जी, आदरणीय विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, विधायक जय किशन साहू जी, काशीनाथ यादव जी के प्रतिनिधि जय हिंद यादव जी, मन्नू अंसारी जी के प्रतिनिधि क्या नाम उनका गोवर्धन यादव जी, इतने लोग कोर कमेटी की बैठक में उपस्थित थे। माननीय ओम प्रकाश जी अपनी व्यस्तता के कारण नहीं थे, माननीय राजेश कुशवाहा जी नहीं थे,
और उस पूरे कोर कमेटी की बैठक में जिस आदमी के नाम को मुद्दा बना के या जिस तरह से आप लोग प्रश्न कर रहे हैं अपने से जानकारी रखते हैं, इस विषय में आप स्पष्ट जानकारी ये रखे हैं कि उनके नाम पे कोई चर्चा नहीं हुई थी, उसके नाम उस वक्त बस तीन आदमी के नाम पे और जो 11 कार्यकर्ता थे उसी पे चर्चा हुई थी। जो आदमी का नाम आप ले रहे हैं कि उनको टिकट मिला है या टिकट मिला हुआ था, उनके नाम पे कोई चर्चा नहीं हुई थी। यदि आपको इस बात पे भरोसा करना है या इस बात को पुष्ट करना है तो जो भी आदमी ये आरोप लगा रहा है, जो भी शख्स कि मेरे लिए बड़े नेताओं ने लिखा था, जय किशन जी ने उसको प्रतिष्ठा बनाया, तो अगर किसी ने भी कोई पत्र लिखा है तो उसको आप सार्वजनिक करें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसमें कहीं कोई चीजें है नहीं, इस बात को मुद्दा बनाया जा रहा है। और अगर कोई आप ये देखिए, ये लेटर मेरे पास है, 12/9/22 को माननीय रामधारी यादव जी ने एक लेटर लिखा था कि पार्टी विरोधी कार्यों में ये लिप्त है, इसलिए इनका दल से निष्कासन होना चाहिए। ये क्या बातें थी। और कभी दल का कोई कार्यकर्ता जिसको आप दल का कार्यकर्ता मानते हैं, दल का वोटर, जिस आदमी का आप नाम लेते हैं उस आदमी को कभी अपना कार्यकर्ता नहीं समझा। ये जरूर है कि 2012 में उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने उनको जिताऊ कैंडिडेट के नाम पे हमारी पार्टी में ले आए थे, उस समय भी एक एक कार्यकर्ता ने विरोध किया था, लेकिन जब उनको टिकट मिला तो एक एक कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिला के चला और 12,000 वोट पाके गाजीपुर, 12,905 वोट पाके गाजीपुर में समाजवादी पार्टी दूसरे स्थान पे रही। उसके बाद किसी तरह के किसी कार्यक्रमों में कार्यकर्ता हमेशा दल का होता है, कार्यकर्ता व्यक्ति का नहीं होता है। अगर वो किसी व्यक्ति के साथ कार्यक्रम में आते जाते रहे तो ये उनका व्यक्तिगत प्रश्न है। अगर कार्यकर्ता आप दल के हैं तो दल के कार्यकर्ता होंगे, दल के साथ आएंगे और दल के साथ रहेंगे। किसी कार्यक्रम में उनकी कोई सहभागिता कभी नहीं रही। ये निश्चित रूप से है कि दल विरोधी कार्यों में जो जो चुनाव बीच में बीते, चाहे वो विधानसभा के चुनाव रहे हों, चाहे स्थानीय निकाय MLC का चुनाव रहा हो, चाहे जिला पंचायत में का चुनाव रहा, इन सारे चुनावों में उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं थी। ये एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेता गाजीपुर जनपद का जानता है। और कुछ अगर उसमें संशय हो तो बताइए।